हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो देखिए, आज मैं लेके आया हूं पाइथन प्रोग्रामिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक। अब देखिए, जो लोग क्लास को देखे हैं मेरे, यानी मैं जितना बताया हूँ, अगर वो लोग देखे होंगे तो बताइए सारा क्वेश्चन कितना हलवा लग रहा है। बताइए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, एलिमेंट ऑफ पाइथन क्या होता है, पाइथन आईडी क्या होता है, पूरा बढ़िया तरीके से मैंने बताया है क्लास में। जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिए। अब देखिए, यही मेरा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, पूरा बढ़िया बताया मैंने। अब आगे देखिए, ये देखिए यूनिट 2, यहाँ पूछा है कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जो यहाँ पर होता है इफ एल्स, उसके बाद नेस्टेड लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है। मैंने क्या बताया था लूप में मैंने बताया था कि जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक ये एग्जीक्यूट करेगा। पूरा बढ़िया तरीके से बताया, एक बार जाइए और देखिए लेक्चर को। मैंने पूरा एक बार मैंने उसको डिफाइन किया, पूरा डिफिनेशन बताया, और डिफिनेशन बताने के बाद मैंने यहाँ पर प्रोग्राम भी लिखवाया है क्लास में अपने। तो जाइए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पाइथन का पूरा प्लेलिस्ट है। अब देखिए, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, और वर्किंग ऑफ लूप क्या होता है, मैंने पूरा बढ़िया तरीके, वाइल क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, पूरा बढ़िया तरीके बता दिया है। और ये देखिए, मैंने भी बताया था कि एग्जीक्यूशन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, यानी पाइथन फंक्शन क्या होता है और एग्जीक्यूट कैसे करता है, पूरा बढ़िया तरीके से बताया है। आप लोग जाइए देखिए क्लास को। अब देखिए अगला है कि पार्ट ऑफ फंक्शन क्या होता है, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, पूरा बढ़िया तरीके से मतलब ये सारी चीज़ मैंने बताया है। अभी इसका नहीं बताया हूँ, अभी इनका जो है पूरा वीडियो में लेके आ रहा हूँ अभी 2 घंटे के बाद। यूनिट 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, इम्पोर्टिंग मॉड्यूल क्या होता है, एडीटी क्या होता है, और एडीटी इंटरफेस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, मतलब पूरा है यूनिट 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ देख लीजिए यूनिट 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनको स्क्रीन शॉट लेना ले लीजिए, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइंट हो जाइए, मैं पूरा इसका फोटो भेज दूँगा, ये वाला देखिए। तो दिस इज़ यूनिट फाइव यूनिट 4 एंड दिस इज़ यूनिट 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज़ यूनिट 1, 2 एंड 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे देख लीजिए अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाइथन, आपको बताना है, जनरेट करना है पाइप प्राइम नंबर विथ हेल्प एंड एल्गोरिथम टू रीड एंड राइट सिंपल पाइथन प्रोग्राम टू डिफाइन पाइथन फंक्शन क्या होता है। अब बताइए पाइथन फंक्शन क्या होता है, पाइथन फंक्शन क्या होता है, एक सब प्रोग्राम होता है, यानी कि यह जो है एक छोटा सा पार्ट होता है प्रोग्राम का, और इसमें जो फंक्शन होता है फंक्शन, यह जो है कम्प्लीट प्रोग्राम नहीं होता है। अगर आपको फंक्शन को देखिए, मैंने क्या बताया था उसमें कि अगर फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो हमेशा आपको बार बार कॉल करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा पाइथन फंक्शन होता है इसमें जब भी हम जो है फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तब तक हम मतलब यन टाइम्स तक, यानी मल्टीपल टाइम तक हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज़ पाइथन फंक्शन, ओके। मैंने पूरा अच्छा तरीके से बताया था उसमें क्लास में। अब देखिए सर्च क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होता है, मर्ज क्या होता है पाइथन में, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो लोग क्लास को नहीं देखे हैं जाइए देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।